हिजामा कपिंग थेरेपी एक ऐसा इलाज है जिसे खासकर मुसलमान इसलिए करवाते हैं क्योंकि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। हिजामा करवाने से आपको 70 से ज़्यादा बीमारियों से निजात मिल सकती है। गुलबर्गा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई हिजामा सेंटर मौजूद हैं, पर खासकर खवातीन के लिए BDS बुशरा हेल्थ केयर एंड कपिंग सेंटर ओपन हुआ है, जिसका इनोग्रेशन गुलबर्गा नॉर्थ MLA कनीस फातिमा और साउथ MLA आलम प्रभु पाटिल के हाथों किया गया है। गुलबर्गा रिंग रोड MSK मिल के करीब अम्मार फंक्शन हॉल के अपोजिट हुसैन प्लाजा में BDS बुशरा हेल्थ केयर एंड कपिंग सेंटर ओपन हुआ है, जहां सिर्फ लेडीज और बच्चों के लिए हिजामा किया जाएगा। इस हेल्थ केयर एंड कपिंग सेंटर में डॉक्टर बुशरा अवेलेबल रहेंगी, जिन्हें कपिंग थेरेपी में कुल 10 साल का एक्सपीरियंस है। वेट कपिंग, हिजामा, फेशियल कपिंग, रेड लाइट थेरेपी, पैकेसिव वाइब्रेशन थेरेपी, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंचर स्क्राइबिंग थेरेपी, मैग्नेटिक कपिंग थेरेपी और दीगर कई मुख्तलिफ ट्रीटमेंट यहाँ आप करवा सकते हैं। याद रहे, DBS बुशरा हेल्थ केयर एंड कपिंग सेंटर सिर्फ लेडीज और बच्चों के लिए ओपन किया गया है। इस हेल्थ केयर सेंटर में पूरी सेफ्टी के साथ डॉक्टर बुशरा कपिंग थेरेपी ट्रीटमेंट करेंगी। आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर डिटेल हासिल कर सकते हैं, या फिर आप गुलबर्गा रिंग रोड अम्मार फंक्शन हॉल के अपोजिट हुसैन प्लाजा में मौजूद DBS बुशरा हेल्थ केयर एंड कपिंग सेंटर को विजिट कर सकते हैं। एक बार में पूरे नहीं निकलते, हम उसको 3-4 times से 2 weeks के गैप पे देना पड़ता, जिससे पूरा एरिया फ्रेश हो जाता और वो एरिया पे सर्कुलेशन फास्ट हो जाती और जो डिसीज़ है या पेन है, कोई प्रॉब्लम है, वो निकल जाती। जैसे हमें किडनी इन्फेक्शन हो जाता तो हम क्या करते हैं, एलोपैथिक में टैबलेट्स ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स। वो क्या करते हैं, टैबलेट्स जो बैक्टीरिया वायरस उसको किल करता बट रिमूव तो नहीं करता वो एरिया से, तो वो जो डेब्रिस रहता है, जो बैक्टीरिया, जो किल्ड बैक्टीरिया वायरसेस रहते हैं, वो हिजामा निकालते हैं वहाँ से, तो वहाँ पे सर्कुलेशन अच्छी होती, तो वो एरिया ऑर्गन है वो अच्छे से फंक्शन करता। ये है इसका। आज यहाँ अम्मार फंक्शन हॉल के सामने बुशरा हेल्थ केयर एंड कपिंग सेंटर की ओपनिंग हुई है। बुशरा जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है, 10 साल सऊदी में भी ये किए हैं कपिंग का, और काफ़ी एक्सपीरियंस है। और अभी बता रहे थे बुशरा के हमारे पास भी सुन्नत है कपिंग कराना, और इससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं और काफ़ी चीज़ों के लिए बहुत जल्द आराम होता है इसमें। अभी बुशरा बता रहे थे कि शुगर के लिए भी है, BP के लिए है, और थायराइड वगैरह कई बीमारियों के लिए इसमें इसका ट्रीटमेंट है इसमें। लेकिन ये नहीं है कि आप एक बार करा के छोड़ दिए तो उसमें फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आप लोगों को 3-4 बार जो भी जितना भी डॉक्टर्स बताते हैं उतने टाइम पे आप ये कराने से आप लोगों को हर चीज़ में फ़ायदा होगा। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ, आप लोगों को अच्छा मौका है यहाँ पर इधर रहने वालों के लिए कि आप लोग आइए और कपिंग थेरेपी कराइए। छोटे बच्चों का भी है यहाँ पर और लेडीज़ का भी है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग कराइए, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इसमें इंशाल्लाह ताला। और मैं ख़ुद भी बोली हूँ बुशरा को, मैं ख़ुद भी आके, मैं भी अभी तक नहीं कराई, इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी आके ज़रूर कराऊँगी, क्योंकि इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, उल्टा हमारे को सुन्नत है ये हमारे लिए, चांद की तारीखों से ये कराने का ज़्यादा
अच्छा बेहतर रहता है। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ, बुशरा का शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने यहाँ पर बुलाया मुझे। आज हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा काम जो हो रहा है, ग्रैंड ओपनिंग बुशरा हेल्थ सेंटर एंड कपिंग सेंटर, ये केयरिंग फॉर योर हेल्थ, ये जो आदमी के अंदर खून रहता ना खराब खून, ये कपिंग को लगा के उसको निकालते हैं, खून ही नहीं तो आदमी को बहुत सुकून होता। ये पहली बार हमारे ओनली लेडीज़ के वास्ते इधर ये हॉस्पिटल खुला है, इसका बहुत उपयोग है, बहुत नेसेसरी है। लोग हमारे लोगों को उधर इधर जाके थोड़ा जाने से यही नदी करीब इसमें पूरा एरिया एम एस के मिल एरिया जलनाबाद दुआनगर पूरा ये पूरे एरिया को एक्सटेंशन एरिया को और एम एस के मिल एरिया को पूरे लोगों को बहुत हेल्प होता है, इसका उपयोग हम सब लोग लेना। ये पुराने यूनानी इसमें है, ये क्या गलत नहीं है कुछ नहीं, बहुत डिफरेंस है। हमारे लोग पहले पुराने हमारा इतिहास निकाले तो इसके ऊपर जनता आम जनता पूरा जिंदा रहते थे, इसको यही हॉस्पिटल खोल के बहुत देखा वही काम ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा हॉस्पिटल इधर हमारे पास खुले है। आज हम हमारे शेख हुसैन साहब, बड़ा बड़ा पाटिल साहब, मेरे कार्तिक साहब, हम एक्स पाटिल साहब, मुझे शेख साहब, सब लोग मिलकर बहुत खुशी से हम इसका ओपनिंग करे हैं। लोग इधर इसका काम अच्छी तरह से लेने, इसके एडमिट होके आपके हेल्थ को केयर रखने के वास्ते मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाह रही हूँ बुशरा मैम को, जो कि 10 साल एक्सपीरियंस सऊदी अरब में रह के आ चुके हैं वो, और अल्हम्दुलिल्लाह से उनके हाथों में शिफा भी है। और पहले बात तो बहुत खुशी की बात है कि हम ऐसी जगह पे जो रिंग रोड पे मेन रोड पे जो ओपन हुआ है बुशरा हेल्थ केयर के लिए, मैं अपने हम लोग अपने कई दूर दूर पे जाके कर लेते हैं हमेशा, लेकिन इस बार हमें नज़दीक मिला है, ये क्लिनिक हमको नज़दीक पे एकदम बहुत करीब है, जैसे कि हम लोग कभी भी आके कर ले सकते हैं टाइम निकाल के। और मैं बहुत खुश मतलब बहुत खुशनसीब हूँ कि ये मेरे एरिए में आए हुआ है, पहली बात तो जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। और अपने अपने इसमें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ पे के जो भी हैं हमारे बड़े छोटे जो भी 18 ईयर के बाद वाले, उन सब के लिए है यहाँ पर। और शुगर और बीपी वो लोग भी करा सकते हैं, उनके भी कुछ ट्रीटमेंट हैं जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, तो आप आइए विज़िट कीजिए इंशाल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह अमर फंक्शन हॉल के अपोजिट बुशरा हेल्थ एंड कपिंग सेंटर ओपन हुआ है। मैं मैडम को मुबारकबाद देता हूँ, जो कि मैं समझता हूँ ऐसा कपिंग सेंटर पूरे एम एस के मिल पूरे जिलानाबाद में नहीं था, जो कि जिलानाबाद के लिए एक बहुत अच्छा ये है सेंटर है। मैं समझता हूँ स्पेशली लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हिजामा कपिंग मीन्स हिजामा बोले तो हिजामा करना एक तो सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह, और कई बीमारियों का शिफा है। मैं मैडम को मैं मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह उनके हाथों में शिफा अता करें। और तमाम जो व्यूअर्स को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक बार आके एक बार विज़िट करिए, हिजामा करना बहुत अच्छी बात है, और तंदुरुस्ती होती है, और जो भी शुगर बीपी वगैरह जो भी बीमारी से इंशाल्लाह अल्लाह उसमें शिफा देगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। मेरा नाम डॉक्टर बुशरा सईद है, और मैं बीएमएस की हुई हूँ, और मेरा एमडी एक्यूपंक्चर में हुआ है, और मैं सीजीओ भी की हुई हूँ, और मेरा 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स हुआ है यूके से, और मेरी 12 ईयर्स की प्रैक्टिस है, जो कि मैं 10 साल सऊदी अरब में कर चुकी हूँ, और मेरी कई सारी पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब हुई हैं। मैंने हिजामा की प्रैक्टिस की है वहाँ पर, और बहुत सारी पेशेंट जैसे इनफर्टिलिटी है, थायराइड है, पीसीओज हैं, एंड क्या है इरेगुलर साइकिल्स हैं, और हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ प्रिवेंट होता है इससे, ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रैक्टिस की हुई हूँ। मैडम कहाँ कहाँ आप प्रैक्टिस किए हैं, और यहाँ गुलबर्गा में कब से आप काम कर रहे हैं? मैं देखिए सऊदीया में रियाद में 10 ईयर्स की मेरी प्रैक्टिस है, वहाँ पर मैं प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। वहाँ से पाकिस्तान से मेरी कई सारी पेशेंट्स थी, कनाडा से थी, यूके से थी, अमेरिका से थी, और प्लस बांग्लादेश इंडिया से, अल्हम्दुलिल्लाह कई सारी पेशेंट्स, मोर देन 50,000 पेशेंट्स का मैं कर चुकी हूँ।
और कई सारी अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब भी हैं। क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं मैडम हिजामा से? अक्सर लोग एलोपैथी और होम्योपैथी की तरफ रुजू करते हैं जी। तो हिजामा से आपकी जो ट्रीटमेंट है इससे कैसे बेनिफिट्स होंगे, क्या चांसेस हैं? देखिए हिजामा ये एक सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजामा में शिफा है, तो वाकई में शिफा है। मैंने जो मेरी पेशेंट्स का दिया है पेन्स के लिए दिया है, जैसे शैटिक पेन है, लंबार पेन है, और लंबार स्पॉन्डिलाइसिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, नेक पेन है, शोल्डर पेन है, और प्लस रूमेटाइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ये सारे पेन्स मैनेजमेंट इसमें हो जाता। और प्लस जो दूसरी डिसीज़ हैं जैसे माइग्रेन है, हेडेक है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इसमें क्योर होती है। ये कैसा होता है, ये जो डिसीज़ होते हैं लाइफ में अगर हम फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं तो फर्स्ट सुन्ना सेशन करवाना होता है, उसके बाद एक कोर्स टाइप होता है, लाइक किसी को 3 to 4 सेशंस लगते हैं, किसी को 5 सेशंस लगते हैं, किसी को 7 सेशन लगते हैं, बट जो भी बीमारी है, जो प्रॉब्लम है या कंडीशन है वो कम्प्लीट क्योर हो जाती है, लाइक जड़ से ख़त्म हो जाती है। गुलबर्गा के आवाम को क्या कहना चाहेंगे मैडम आपके क्लिनिक के ताल्लुक से, और टाइमिंग्स क्या होंगे आपके? मैं गुलबर्गे के आवाम को यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आइए, ये सुन्नत का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि देखिए हदीस में भी है अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों में शिफा रखी है, तो जैसे फर्स्ट है हिजामा में शिफा रखी है, और शहद के इस्तेमाल में शिफा रखी है, और तीसरा दागने में शिफा रखी है, बट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दागने से मैं मना करता हूँ क्योंकि इससे निशान रह जाते हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आइए ज़्यादा से ज़्यादा हिजामा करवाइए, और मेरी दूसरी भी सर्विसेज हैं जैसे फिजियोथेरेपी है, अकोपंक्चर है, परकशन थेरेपी है, स्क्रेपिंग थेरेपी है, और प्लस यूनानी मेडिसिन है। आइए आकर इससे फ़ायदा उठाइए। और मैडम टाइमिंग्स क्या? टाइमिंग मेरी ये देखिए, टाइमिंग सुबह में 9:30 to 2:00 है, और इवनिंग टाइमिंग है 5 to 7 है इंशाल्लाह। और ये जो मेरा क्लिनिक है यहाँ पर अमार फंक्शन हॉल हुसैनी गार्डन, वहाँ पर है, अपोजिट अमार फंक्शन हॉल है।